দেখতে পাচ্ছ সবাই, একজনের গাড়ি পড়ে গেল, পড়ে গেল জঙ্গলে, গাড়ি উল্টে গেছে। প্রভু কৃষ্ণ জগন্নাথ। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, सबको नमस्कार, दिल से बहुत सारा प्यार और सबसे पहले सबको हैप्पी दीपावली। तो आज को हम एक छोटा सा शॉर्ट राइड का प्लान किए हुए हैं नित्यानंद डैम बोल के दुर्गापुर से, जो कि हालांकि 25 किलोमीटर दूर है। डैम का डिस्टेंस हालांकि कम ही है बट मज़ा आएगा मेरे को जितना दूर लग रहा है, क्योंकि हम लोग चार ही बाइक जा रहे हैं, ज़्यादा बाइक हम लोग मतलब एंट्री नहीं लिए हैं और थोड़ा हाइपर रेसिंग टाइप का वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और कुछ नहीं बोलेंगे, वीडियो देखिए एंजॉय कीजिए। अभी हम लोग बेटली बोल के एक जगह क्रॉस कर रहे हैं जो कि बैरेज से राइट लेना पड़ता है, और ये जो बंदा देख रहे हैं केटीएम लेके आया है, ये अपना ही ग्रुप का है, नया ज्वाइंट किया हुआ है। और बाकी रिएक्शन तो एकदम मस्त मिल रहा है अभी तक का, और रास्ता में बोलने से लीन करने में तो अच्छा ही मज़ा आ रहा है, देख पा रहे हैं। लीन करने का ऑप्शन तो है पर रास्ता में इतना ज़्यादा पत्थर गिरा हुआ है कि लीन करने जाएंगे तो स्लिप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए लीन नहीं कर रहे हैं। पीछे बहुत दूर हो गया वो लोग, शायद थोड़ा स्लो करना नहीं पड़ेगा, सब एकदम फुल जोश में ही है और सामने में ही है, देखते हैं बम्पर कहां से आ जा रहा है भाई रास्ते में, और उसके ऊपर से भेड़ बकरी क्या क्या चल रहा। सब राइडर लोग तो फुल जोश में ही है, पूरा एग्रेसिव है बट क्या कर सकते हैं, काली पूजा का टाइम चल रहा है, पूरा सब जगह भीड़ है इतना ज्यादा, कौन कहां से कौन किधर से इधर उधर से आ जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं थोड़ा कंट्रोल से चलाने के लिए, नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा से गाड़ी चलाया जाएगा। तो अभी फिलहाल थोड़ा यहाँ से 6-7 किलोमीटर के करीब करीब है, ज़्यादा दूर है नहीं। अभी हम लोग को एक टूटा हुआ पुल मिला है, तो हम लोग का तो 3 बाइक नेकेड है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो निकल गए, पर दिक्कत ये है कि ये R15 निकल सकता है कि नहीं, हम तो उसको बोल रहे हैं कि पूरा फुल थ्रॉटल से उड़ा के आने के लिए। हाँ तो गया भाई, मेरा गाड़ी से लगते लगते बच गया भाई, चलो निकलते हैं और भी आगे, खतरनाक होने वाला लग रहा है देख के। मैं सोचा कि आगे रास्ता कहाँ है, और देखिए वो जैसे होता है ना कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर हो, ऐसे सेम केस मेरे साथ भी हो, मतलब हम लोग के साथ हो गया, क्योंकि अभी जो रास्ता मेरे को दिख रहा है अभी फिलहाल तो वो है 5 इंच से 10 इंच का रास्ता है, दोनों खेत के बीच में जो वो आल बोल के कुछ रहता है, जो वो मिट्टी का आल से हम लोग लेके जा रहे हैं, जिसमें से पैदल जाने का सिर्फ ऑप्शन रहता है, उसमें हम लोग सिर्फ बाइक लेके जा रहे हैं भाई। आगे तो और भी डेंजर लग रहा है, नहीं मालूम है क्या हो रहा है, देखें। हालांकि डैम जाने का 3 रास्ता था, पर 3 रास्ता में से हम लोग ने सबसे गंदा वाला जो ख़राब रास्ता था वो उसको ही चूज़ किए, हालांकि आगे में एक आदमी भी बोला कि ये रास्ता से मत जाना, तब भी हम लोग आ गए। देखो अब फंस गए हैं, दोनों तरफ खेत, बीच में है हम लोग, क्या करेंगे अब जाना तो पड़ेगा ही, कुछ करने का है नहीं, देखते हैं क्या होता है। लो 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 लो, रे बाप रे बाप रे, किया 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 भाई किया, मेरा गाड़ी फंस गया भाई, किया सिचुएशन ऐसा है कि मेरा गाड़ी पूरा फंस गया है, इतना पतला रास्ता है, वो रास्ता में पूरा फंस गया है गाड़ी, अब इसको थोड़ा तो उठाना पड़ेगा। A few moments later. रास्ता देखते देखते जंगले फेसे गेछी,
দেখতে পাচ্ছ সবাই, একজনের গাড়ি পড়ে গেল, পড়ে গেল জঙ্গলে, গাড়ি উল্টে গেছে, শুয়ে পড়। যা, এই হচ্ছে সামনে যে আছে আমাদের গুরুজি, গুগল ম্যাপ দেখেছে ক্ষেতের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আপ কহাঁ থে জ্ঞানী বাবা? Two thousand years later. मैं सोच रहा था कि रास्ता खराब है, मजा आएगा, पर अब तो लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा सजा मिल रहा है हम लोग को ये रास्ता में आने का। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। शायद तो दिखा रहा है गूगल मैप से, थोड़ा सा ही है, निकलते हैं उसके बाद बात करते हैं। माय गॉड, हो प्रभु कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, क्या हुआ हम लोग का गाड़ी फंस गया। इस तरह का जगह है, एकदम पूरा पतला रास्ता था, ठीक है, दोनों जो खेत होता है वो खेत के अंदर से, ठीक है, तो सबको निकल गया, मेरा गाड़ी फंस गया था, चक्का स्लिप था, हमारा तो पूरा स्लिप, हमारे ट्रैके चलाने जाने रेडी कर अभी रास्ता तो अच्छा मिल गया है और सामने में डैम भी दिख रहा है। मेरा एक इशू हो गया था, मेरा जो 360 कैमरा है वो 150 में सेट किया हुआ था, इसलिए मैं हर वीडियो में मेरा फ्रंट के तरफ में ही मेरा वीडियो बन रहा था, सामने का वीडियो आया नहीं। बाद में मैं सॉल्व कर लिया अभी यहाँ पर आके। नित्यानंदपुर डैम, यहाँ गूगल मैप्स में जैसे कि दिखा रहा था फोटो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा गंदा है। यहाँ पर मैं तो बोलूँगा कि मत आइए, अपना नॉलेज से, मतलब जैसा कि मैंने देखा हूँ यहाँ पर घूमने लायक कुछ भी है नहीं, सिर्फ छोटा सा एक डैम है। ये जगह को जितना अच्छा सोचा था वैसे तो कुछ मिला नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं है, संडे राइड हम लोग का मंजिल से ज़्यादा सफ़र का मज़ा लेते हैं, तो सफ़र का मज़ा एडवेंचरस बहुत अच्छा था रास्ता, तो इसमें एक बहुत कुछ सीखने मिला। हम लोग के साथ जो नया राइडर जुड़ा हुआ था उसका भी स्किल देखना था, तो स्किल तो हम लोग ने देख लिए, अब इससे भी ज़्यादा एडवेंचरस रास्ता और हेवी हेवी जगह हम लोग एक्सप्लोर करने निकलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग के साथ जुड़ जाइए और भी मज़ेदार वीडियो और मज़ेदार जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।